हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गोजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर, और आप सभी के लिए सिविल गोजी। आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है। क्या डिफरेंट है? आज हम समझने वाले हैं कि कैसे थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर कोई से भी कमांड नॉलेज को प्रैक्टिकल में कैसे लगाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में, साइड लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऑटोकैड में चीज़ें सीखी है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। जैसे साइड में कुछ प्रॉब्लम आया तो सबसे पहला उसका मोटिव क्या होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका। समझो ये ड्राइंग आपको साइट में मिली है, मैं साइट में हूँ, एग्जीक्यूशन करना है, एज अ साइट इंजीनियर हूँ, साइट इंचार्ज हूँ या जो भी है। आपको एक साइट में ड्राइंग मिली है, उसमें देख रहे कुछ कुछ डाटा मिसिंग है। जैसे मैं मार्क करके दूँ तो इतने सारे डाटा मिसिंग है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले खुद से सोचिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूँ। मतलब कभी भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले खुद सोचिए कि सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ। जैसे एक मेजरमेंट पता है, कुछ कुछ और मेजरमेंट मुझे पता है, परंतु बाकी मेजरमेंट्स नहीं पता है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसके लिए क्या हेल्प करूँ। जितना आपको आज तक नॉलेज है उसके बेस में ये आराम से सॉल्व हो सकता है। कहीं आपको मैथ्स का थोड़ा सा नॉलेज है, ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज है, तो भी ये पूरा सॉल्व हो सकता है। हर एक चीज़ को एक आसान मैथ्स के प्रॉब्लम जैसे समझिए। कुछ भी चीज़ को सॉल्व करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है, मतलब जो भी आपको डिफिकल्टीज आती है साइट में, वो एक डिफ़िकल्टी की तरह मत सोचिए, उसको एक चैलेंज की तरह, एक प्रॉब्लम की तरह। सिंपल, कोई एक क्वेश्चन दिया उसका आंसर ढूंढना है। जैसे मुझे एक डाटा दिया है, बाकी सारे डाटा मिसिंग है, तो एक तरह से प्रॉब्लम हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है वो सोचिए, तरीका सोचिए और कमेंट कीजिए कि आपने क्या क्या सोचा कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ी बाद इसको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो सॉल्व करने का आसान तरीका सूझा वो दो तरीके हैं। एक जो आप लोग बेसिक दसवीं में पढ़े हैं, बारहवीं में भी और कॉलेज में भी बहुत अच्छे से रिपीट हुआ था की हेल्प से, मतलब ये एक डायमेंशन दिया हुआ है 6.69 मीटर। अब ये 6.69 मीटर ड्राइंग में मुझे ये 6.69 मीटर दिख रहा है, ये जी, तो इसका लेंथ नाप सकता हूँ कि एक्चुअल ड्राइंग में कितना है, उसके हेल्प से एक रिलेटिव निकाल सकता हूँ ड्राइंग में कितना है और उसको ओरिजिनल कितना होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लोग सीखे थे, स्केलिंग सीखे थे बीई में। अब इतना सब हमें याद करने की जरूरत नहीं, हम ऑटोकैड में ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? ये इमेज है, हम ऑटोकैड में कुछ कुछ कमांड सीखे हैं। जैसे इमेज को कैसे लाना है नहीं सीखे तो मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ ये तो सीखे होंगे स्केलिंग कैसे कर सकते हैं। बस इन्हीं दोनों के हेल्प से हम फिर पूरे का मेजरमेंट निकाल देते हैं। देखते हैं आगे वो कैसे होता है। अब इस प्लान को हम ऑटोकैड में ले जाके देखते हैं कि ऑटोकैड में कैसे आसानी से बना सकते हैं। ये इमेज है, जेपीजी फाइल है, सिंपल मोबाइल फ़ोन से मैंने फ़ोटो खींची। किसकी फ़ोटो खींची? जो आपके पास प्लान था उसी की फ़ोटो, कोई स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। पहले के डेट में कैंप स्कैनर यूज़ करते थे, आज के डेट में वो बंद हो गया है, तो उसके बहुत ऑल्टरनेटिव है। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट स्कैनर, मतलब जो कि ऑफिस स्कैनर के नाम पे चलता है, और भी एडोब के भी हैं, और भी बहुत सारे स्कैनर हैं। किसी भी स्कैनर से ढंग से यूज़ करेंगे तो आराम से स्कैन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई स्कैनर की ज़रूरत नहीं। स्कैन किया हूँ, ये इमेज ले आया। अब ये इमेज को हम ऑटोकैड में ले जाना सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको स्केलिंग करेंगे। पहला स्टेप, ये इमेज को ऑटोकैड में लाना। ऑटोकैड ओपन करते हैं, ऑटोकैड ओपन हो रहा है, ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्ट इमेज में चले जाते हैं, स्टार्ट ड्राइंग, ऑटोकैड में गए, ऑटोकैड में इंसर्ट में क्लिक करेंगे। इंसर्ट में आपको इमेज इंसर्ट करना है, तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर और आसान तरीका बताता हूँ, आप डायरेक्ट फाइल में जाएंगे, जो भी आपने फाइल बनाई है, मतलब जो व्हाट्सएप से ले लो या फिर कैसे भी स्कैन करके ले लो, कहीं स्कैन करके अच्छी क्वालिटी में लोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं एकदम बेसिक चीज़ दिखा रहा हूँ कि व्हाट्सएप से कहीं आपने डाउनलोड किया तभी भी ये पॉसिबल है। व्हाट्सएप की इमेज को लेके आया, ऑटोकैड में लाया, बस ड्रैग एंड ड्रॉप किया। फिर से एक और बार करके दिखा रहा हूँ क्या किया मैंने, एस्केप किया हूँ अभी वापस, जो भी आपकी फाइल है, इमेज है, इसको क्लिक किया, ड्रैग किया और ऑटोकैड में लाके छोड़ दिया। अब ये पूछ रहा है इसका ओरिजिन कहाँ हो, 0.0 पे दे देते हैं, हरदम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। अब ये पूछ रहा है स्केलिंग कितना बड़ा रखना है, आप अभी रेंडमली अपने हिसाब से कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद इसका एंगल क्या होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री पे ही रखते हैं हम, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, और या फिर डायरेक्ट 0 करके एंटर कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे ही एंटर कर देता हूँ, तो ये आपकी इमेज आ गई, देख रहे हैं।
आप कहीं आपने अच्छे से क्वालिटी से स्कैन किया होता, व्हाट्सएप के बदले डायरेक्ट मेल से लिया होता तो ज़्यादा अच्छा इमेज मिलता। मैं आपको एकदम बेसिक करके दिखा रहा हूँ जिससे हर कोई कर सके। अब ये लाइन है, इस लाइन का मेजरमेंट दिख रहा है 6.69 मीटर। कहीं किसी को भी ये ड्राइंग चाहिए होगी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग को ये ड्राइंग आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका बेसिक कमांड लाइन कमांड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले लाइन कमांड कैसे यूज़ करते हैं, एल एंटर, तो ये आपका लाइन कमांड एक्टिव हो गया, या फिर एस्केप कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका लाइन कमांड एक्टिव हो गया। अब उसके बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यही चीज़ होता है, कहीं हमने अच्छे से इमेज क्वालिटी ली होती तो यहाँ पर अच्छा सा मिलता रिजल्ट। बस इमेज क्वालिटी इसे मैं वो हूँ कि व्हाट्सएप के बदले मेल से ले लेंगे या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। इस पॉइंट से चालू हो रहा आपका मेजरमेंट, कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक, यहाँ तक। एस्केप करिए, ये लाइन आपकी बन गई। अब मैं इस लाइन को पकड़ के थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। मूव कैसे करते हैं, एम एंटर, ऑर्थो ऑन है तो उसी के परपेंडिकुलर मूव हो गया। अब इसका पहले डायमेंशन चेक कर लेते हैं कितना है। इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो 6 मीटर है, वो 500 मीटर है, तो पहले स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। स्केलिंग किए, पॉइंट बंद कर देता हूँ, तो एक छोटी इमेज बन गई। फिर से वही काम किए, पहले लाइन में गए, ये आउटलाइन बना रहे हैं कि ये असली में जितना दिया है कि उतना कितना है। जितना ध्यान से इसको करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मूव कर देता हूँ, एम एंटर, ये आपकी लाइन बन गई। फिर से इसका डायमेंशन चेक करते हैं, 53.11 मीटर। अब ये असली में कितनी है, 6.69 मीटर। तो एक लाइन बना देते हैं हम, फिर से सेम एल एंटर, इसी पॉइंट के आसपास बना देते हैं, चालू करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। कितना चाहिए, 6.69, मतलब जो इतनी बड़ी आपको लाइन दिख रही है उसका असली मेजरमेंट कितना है, सिर्फ 6.69 मीटर। तब इसको आप स्केलिंग करेंगे कि ये इतनी बड़ी लाइन इतने के इक्वल हो जाए। अब ये आपका दूसरा कमांड यूज़ हो रहा मेजर। सबसे पहला आपने कमांड कौन सा यूज़ किया कि इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, जो कि बहुत आसान था, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब दूसरा यूज़ कर रहे हैं क्या, स्केलिंग का। स्केलिंग के लिए क्या किए, एस सी एंटर, स्केल एंटर कर दें। उसके बाद पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, एंटर किए, सिलेक्ट बेस पॉइंट, बेस पॉइंट बताएं। अब उसके बाद क्या बोला है, रेफरेंस, हमें रेफरेंस बताना है कि कोई लाइन है, मुझे पता है वो दूसरी वाली लाइन जो दिख रही है उतनी ही बड़ी, हमें इस लाइन को करना है, तो रेफरेंस में क्लिक करेंगे। रेफरेंस में क्लिक किए, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट कितना आपकी लंबी लेंथ है, ये पॉइंट यहां से चालू हो रहा, यहाँ खत्म हो रहा, ये किस पॉइंट्स के बराबर है, तो पॉइंट्स में क्लिक कर देते हैं। ये दो पॉइंट बता दिए, जूम करके आराम से ध्यान से करेंगे तो ये देखिए आपका जो ये लाइन थी जो पहले बहुत बड़ी थी, अब वो एक्चुअल साइज में आ गई 6.69 मीटर के पॉइंट में। वो कॉमा में दिखा रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, डायमेंशन में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में भी आपको और जानना है कि इसका डायमेंशन कैसे करते हैं, कैसे आसानी से कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको उस टॉपिक में मिल जाएगा। अब जैसे मुझे एक डायमेंशन मिल गई, अब बाकी को पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट है 5.52 मीटर, अब इसको चेक करते हैं हम अपने डायमेंशन से कि वही आ रहा है कि नहीं। ध्यान से करेंगे, आपका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा, जहाँ से चालू हो रहा है वहाँ से लिए ऊपर तक गए। जहाँ देखे आपका अप्रोक्सीमेशन वही आ गया। ये जितनी अच्छी आपकी इमेज की क्वालिटी रहेगी और जितने अच्छे से आपने किया होगा उसी हिसाब से ये मेजरमेंट डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा मेजरमेंट निकाल सकते हैं। आपको जिस भी एक्सेस का चाहिए मेजरमेंट, आप क्लिक करेंगे और मेजरमेंट निकाल देंगे।
इस तरीके से अपने पास एक प्रॉब्लम आया, उसको हमने सॉल्व किया। तो कभी भी आपके पास साइट में प्रॉब्लम आए, तुरंत अपने सीनियर के पास नहीं जाते कि सर ये मेरे पास प्रॉब्लम आ गई, उसको सॉल्यूशन कर दीजिए। सबसे पहले खुद अपने पास जितनी स्किल सेट है, आपके पास भी उतनी ही स्किल सेट हैं जितने हम लोग के पास थी साइट में, आप उसको यूज़ करें, उसको अलग अलग तरीका सोचें। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जैसे मैथ्स में अलग अलग तरीके होते थे, वैसे ही आपके पास कभी भी साइट में एक प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उनमें से कुछ मैंने आपको बताए, उस तरीके से आप भी सॉल्व कीजिए। सोचिए, हरदम पहले सोचिए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी और से पूछने की तरफ नहीं जाएंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे कि मैं उसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, उसका सॉल्यूशन, बेस्ट प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकता हूँ। ये जब ड्राइंग मेरे पास आई थी तो मैं जा सकता था अपने SGO के पास, उनसे पूछ सकता था कि इसकी ओरिजिनल ड्राइंग बनवा देते हैं या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर देते हैं। उससे पहले मैंने साइट में था तो उस समय एग्जीक्यूशन चालू कर दिया, इसके हेल्प से मुझे एक्चुअल डायमेंशन पता चल गया, लेआउट कराना था उसका मेजरमेंट चाहिए था तो पूरा मैंने लेआउट चालू करा दिया। अब उसके बाद मेरे पास टाइम था, तब मैंने ड्राइंग ओरिजिनल बुला ली। तो इस तरह से कभी भी आपके पास प्रॉब्लम आए तो पहले खुद से सॉल्व करना सीखिए, फिर किसी और की हेल्प लेने के लिए बात करेंगे। आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह से और भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।